गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। अभी यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं? कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट। तो कौन से आज पढ़ना है अपने को अल्फाबेट? के फॉर काइट एंड एल फॉर लॉयन। तो चलो पढ़ते हैं। टुडे डे 22/02/2021। टुडे डे मंडे। सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं आज? कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट। कौन से अल्फाबेट पढ़ रहे? के फॉर काइट एंड एल फॉर लॉयन। तो इसके पहले कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट रीड करेंगे। तो चलो बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हेम, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरोट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर शीप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्स नेक्स्ट ट्री, वाई फॉर रैट एंड जेड फॉर जेब्रा। तो चलो अभी कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट राइटिंग करते हैं। देखो सेकंड लाइन से आपको स्टार्ट करना है राइटिंग के फॉर काइट की। तो देखो पहले स्लैंटिंग लाइन, फिर थ्री लाइन में स्लैंटिंग लाइन, फिर कर्व करना है और अभी आपको पेंसिल उठाना है। मैं भी चौक उठा रही आपको भी। और फिर देखो यहाँ से स्लैंटिंग लाइन और फिर यहाँ से स्लैंटिंग लाइन करके फिर कर्व करना है। विच अल्फाबेट इज दिस? के फॉर काइट। फिर से चलो राइटिंग करते हैं। फिर से स्लैंटिंग लाइन, फिर थ्री लाइन में स्लैंटिंग लाइन और कर्व करना है। फिर पेंसिल उठा के फिर से आपको टच करना है सेकंड लाइन को स्लैंटिंग लाइन, फिर थ्री लाइन को स्लैंटिंग लाइन टच करके फिर कर्व करना है। विच अल्फाबेट इज दिस? के फॉर काइट। अभी इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता? एल फॉर लायन। तो देखो एल फॉर लाइन कैसे करते हैं? ये जो टू लाइन है ये टू लाइन के सेंटर से आपको स्टार्ट करना है। देखो पहले ऐसा कर्व करके लाइन को टच करना है, फिर आपको ऐसा इधर से मोड़ के फिर आपको स्लैंटिंग लाइन करना है, फिर से आपको ऐसे मोड़ के फिर से थ्री लाइन को टच करना है, स्लीपिंग लाइन करना है और छोटा सा कर्व करना है। विच अल्फाबेट इज दिस? एल फॉर लायन। फिर से देखो, फिर से ट्राई करेंगे कर करके लाइन को टच करना है ऊपर, फिर इधर से मोड़ के फिर आपको थ्री लाइन को टच करना है स्लैंटिंग लाइन, फिर कर्व करके फिर मोड़ के आपको स्लीपिंग लाइन बनाना है और छोटा सा कर्व बनाना है। विच अल्फाबेट इज दिस? एल फॉर लॉयन। तो ऐसे ही आपको राइटिंग करना है थ्री लाइन में प्रॉपर। देखो कर्सिव राइटिंग कैपिटल लेटर की आपको वर्कबुक निकालना है और इसमें राइटिंग करना है। चलो पेज ओपन करो। के फॉर काइट निकालना है। स्टेप बाय स्टेप आपको के फॉर काइट ट्रेस करना है, ट्रेसिंग पार्ट पे ट्रेस करना है और नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे आपको राइटिंग करना है और रीड करना है। फिर टर्न करना है, एल फॉर लाइन निकालना है स्टेप बाय स्टेप। एल फॉर लाइन भी आपको राइटिंग करना है, ट्रेसिंग पार्ट पे ट्रेस करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे राइटिंग करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है और रीड करना है। देखो बच्चों होमवर्क कॉपी पे एचडब्ल्यू डालना है, कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट हेडिंग डालना है, डेट डालनी है, फाइव लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ए टू एफ आपको सेटिंग करना है, हाफ पेज पे जी फॉर ग्रेप्स से एल फॉर लॉयन तक आपको सेटिंग करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है बच्चों और रीड करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको एचडब्ल्यू डालना है, थ्री लेटर वर्ड हेडिंग डालना है, डेट डालनी है, फाइव लाइन आपको ड्रॉ करनी है, एम ए पी मैप, सी ए एन कैन, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, बी ओ वाई बॉय और हाफ पेज पे एम ए एन मैन, ई ए एन फैन, एफ ए एन फैन, आर ए टी रैट, एच ए टी हैट और पी ओ टी पॉट। ऐसी सेटिंग करके नीट एंड क्लीन राइटिंग भी करना है और रीड भी करना है बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।